वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो जो था उसमें अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन किया था। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज़ का, हमने बहुत इजी वे में सिंपल जर्नल एंट्रीज़ की थी, हम थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक रिकैप देख लेते हैं कि हमने लास्ट हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था, एक बार उसकी रिविजन हो जा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे और इंटरेस्टेड पार्टीज इन अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सब सारी टर्म्स के बारे में। ये रूल्स हैं जर्नल एंट्री के, इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपके एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, अगर वो डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। अभी आपको पता चल जाएगा डेबिट क्रेडिट क्या है। एक्सपेंस जो भी हो अगर होंगे तो वो डेबिट होंगे, और अगर वो डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होंगे। और कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम्स, इनका बस जस्ट अपोजिट है। ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल, मैं लास्ट एग्जांपल पहले आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी एंट्री है ये। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ कैश लेके आता है एज ए कैपिटल, वही यहाँ पर है। तो इसकी एंट्री है कैश टू कैपिटल अकाउंट। और ये नोटेशन है जिस तरह हम अपने प्रोग्रामिंग में कमेंट्स देते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स में हम नोटेशन देते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है। सेकेंड एंट्री है गुड परचेज फॉर कैश फॉर 10,000। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और ये नोटेशन। गुड सोल फॉर कैश, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सैलरी पेड बाय कैश। तो ये सारी इजी एंट्रीज थी। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको आज सॉल्व करेंगे। मोहन स्टार्टेड, इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो वही सेम एंट्री होगी कैपिटल की। डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक तो 500। फर्नीचर परचेस्ड, जो फर्नीचर जो उन्होंने परचेज किया है वो बाय उन्होंने चेक से पेमेंट किया है उसका। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड टू मिस राम एंड कंपनी, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। अब इसके एंट्रीज देखते हैं। ये देखिए कैश अकाउंट टू कैपिटल, वही सेम एंट्री यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट टू कैश, उन्होंने अकाउंट बैंक में कैश डिपॉजिट किया था, तो इसकी एंट्री क्या हुई? कैश बैंक में गया तो वो डेबिट हो गया बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर यहाँ पे डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे कैश की जगह बैंक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हमने चेक से किया है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमने अभी तक लास्ट क्वेश्चन में सारी एंट्रीज कैश में की थी। तो जहाँ भी चेक अगर शो कर रहा है तो वहाँ पे बैंक आएगा, ठीक है। परचेज टू कैश अकाउंट, ये तो सेम वही एंट्री है। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब गुड्स परचेज किए जाते हैं क्रेडिट में तो जिस पर्सन से किए जाते हैं उसका नाम आता है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है। उसके बाद कैश टू सेल्स, सेम एंट्री है। यहाँ पे हमने जो सेल्स किए हैं गुड्स, वो क्रेडिट में किए हैं, तो रमेश यहाँ पे हमारा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अब आते हैं, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। अब हम आते हैं बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, तो कैश आया इसलिए वो डेबिट है और रमेश यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब हमारी जो लास्ट एंट्री है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगी। यहाँ पे हमने रेंट पे किया और सैलरी पे किया, ये सेम ही डेट पे थी, तो हमने ये एंट्री
एक ही साथ कर दिए, यहाँ पे रेंट अकाउंट 100, उसके बाद सैलरी अकाउंट 200 और टू कैश, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाना चाहते हो तो आप वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ आएंगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।